अगर आपको ये जबरदस्त भरवा करेले घर में बनाने छिलकों के संग बनाए हैं तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। करेले की आज ये जबरदस्त सब्जी बनाएंगे छिलकों के संग और इंश्योर करेंगे कि बिल्कुल कड़वी नहीं लगे। तो स्टार्ट करें मॉम। ये मैंने छोटे साइज के करेले लिए हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके अब हम इसका सीड्स है उसको रिमूव कर देंगे हम बड़े बड़े, और छोटे हैं तो आप रहने दीजिए। हमने देखिए इसमें रिमूव कर दिए और देखिए अब हम इसको 10 मिनट हो गए हैं वॉश कर लिया है हमने इसको। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ये पानी में डाल देंगे और 2-3 मिनट इसको बॉईल कर लेंगे। हाँ। ज्यादा नहीं कुक करना है क्योंकि हम इसको फ्राई भी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसमें भरवा करेले का मसाला। ये तेल डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, अब जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टी स्पून हींग डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये 2 अनियन लिए मैंने छोटे साइज के, वो बारीक चॉप कर लिए, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं, फुल फ्लेम पर कर रही हूँ मैं, 1-2 मिनट के लिए बस, ज्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि सब्जी बनाएंगे उसमें भी कुक हो जाएगा फिर ये मसाला। अब मैंने ये 1/2 बॉल बेसन लिया है तो वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये जीरा पाउडर, ये गरम मसाला। अब इसको हम थोड़ा सा बेसन को भून लेंगे मसालों के साथ। और कौन सी फ्लेम पे भूनेंगे? अब इसको सिंपल कर दिया मैंने। कितनी देर के लिए? इसको 2-3 मिनट भूनना है स्लो फ्लेम में, थोड़ा सा बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। तो देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मैंगो पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, में ये पीनट पाउडर है मूंगफली का। तो ये कच्ची मूंगफली का, थोड़ा सा रोस्ट की मूंगफली को उसका पाउडर बना रखा है मैंने, तो वो डाल दिया है मैंने। 1 टीस्पून में इसमें जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ, तो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा अपना इसमें। ये धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा ऑयल कम लगे तो ऊपर से थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिए इसमें, ताकि थोड़ा सा बाइंड हो जाएगा अपना मसाला। अब मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली क्योंकि करेले में भी हमने नमक लगा रखा था। अब इसको मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए, और मैं गैस बंद कर रही हूँ। तो अब ये मसाला जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम करेले में भरेंगे, स्टफ करेंगे और फिर इनको बनाएंगे। तो देखिए अब इसमें मैं अब ये मसाला स्टफ कर लूँगी, अच्छे से इसकी स्टफिंग करेंगे ऐसे प्रेस करके अच्छे से, और इसको दबा दीजिए ताकि मसाला अपना फ्राई करते समय बाहर नहीं निकले। सो देखिए अब हमने मसाला भर के हमारे करेले को रेडी कर लिया है, भरवा करेले को। अब क्या करेंगे मामा? इधर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, अब इसमें हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं भरवा करेले, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप कड़वापन नहीं लगेगा और करेले के बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो ज़रूर एक बार बनाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। इसको अलट पलट करते रहेंगे और थोड़ा सा मैं इसको अभी कवर कर दूंगी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि आपको पलटना कैसे है इसको, हर एक एक मिनट में इसको पलट के चारों साइड से ऐसे सीख लेंगे हम इसको। तो करीब आपके 5-7 मिनट लगेंगे अच्छे से इसको कुक होने में। तो इसको कुक होने देंगे हम कौन सी फ्लेम पे? इसको मीडियम फ्लेम पर हो जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा आपको बार बार। हाँ, बार बार देख के आप इसको पलटते रहिए ताकि चारों साइड से सीख जाए। 2-3 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि हमारे जो करेले हैं वो कुक होने लग गए हैं। और मम्मी, फ्राइंग करने से, ऐसे शैलो फ्राई करने से इनका कड़वापन और निकल जाए, कड़वापन निकल जाए, क्रंच भी आ जाता है और जल्दी चलते भी अच्छे हैं मतलब। हाँ, तो देखिए ये अभी हम इसको 2-3 मिनट और होने देंगे। तो देखिए अब हो गए हैं हमारे 5 मिनट। देखिए ये अगला कलर आ गया इसमें करेले में, करेले हमारे अब कुक हो चुके हैं और अब 1 by 1 मम्मी यहाँ पर सर्व कर देंगी। तो देखिए बन चुके हैं अब हमारे भरवा करेले। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा भरवा करेले छिलकों के संग बिना कड़वे लगे। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय एवरीवन।